നൽകും. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ത്യ. Friday back to back classes live from studio. Aaj hi subscribe kare Wi-Fi study 2.0 channel ko. Good morning. हेलो एवरीवन, मैं हूं सुष्मिता त्रिपाठी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग इंडियाज नंबर वन स्टडी चैनल पार्ट ऑफ एन एकेडमी नाउ. चलो उड़ान भरी जाए और चला जाए जीके के क्वेश्चंस पे. जीके के क्वेश्चंस को देखते हैं. जैसे आपको पता है कल मैंने आपको करंट अफेयर कराई थी और आज जो है हम लोग अभी करंट अफेयर्स नहीं करेंगे. आज हम लोग जीके के क्वेश्चंस देखेंगे. ओवरऑल है, मिक्सड है, सारे ही जगह से है. सिंस जीके की क्लास अभी मेरे पास में है तो सारे मिक्स देखेंगे. ओके, एक एक टॉपिक को मैं अभी फोकस नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपका एग्जाम है और एक एक टॉपिक को फोकस करूंगी तो सिलेबस नहीं हो पाएगा. बेटर है कि हम लोग क्वेश्चंस पे फोकस करें. ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखो. वरुणा होगा. वरुणा एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत का किस देश से? रशिया, इंडोनेशिया, फ्रांस, यूएसए. बताइएगा. वरुणा जो है एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है किसके साथ में? भारत और कौन से देश की? क्या आंसर होगा बताइएगा. व्हाट इज द आंसर? देखो सबसे पहला तो दिख रहा है हमें रशिया. रशिया के साथ में इंदिरा होता है. ठीक है, इंडोनेशिया. इंडोनेशिया के साथ में क्या होता है? इंडोनेशिया के साथ में होता है गरुड़ा शक्ति. यूएसए. यूएसए के साथ में होता है युद्ध अभ्यास. बचा क्या? फ्रांस. तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा फ्रांस. फ्रांस के साथ में जो है इसकी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है ये. ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा. जून 2019 में गांधी साइकिल रैली पीस ऑर्गेनाइज की गई थी कौन से कंट्री द्वारा? क्या आंसर होगा बताइएगा. कौन से कंट्री द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था गांधी साइकिल रैली पीस? जैसा हमें दिख रहा है नाम से ही समझ आ रहा है क्या इसका मकसद होगा. जो रैली थी पीस का मैसेज दे रही थी. यूएई में हुई थी, सऊदी में हुई थी, ओमन या इंडोनेशिया, कहां पर हुई थी गांधी साइकिल रैली पीस को ऑर्गेनाइज कहां पर किया गया था बताइएगा. व्हाट इज द आंसर? देखो बहुत सारे लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट किए थे. बेसिकली पीस का मैसेज देकर एक रैली पर चल रहे थे. ठीक है, द आंसर इज इसको ऑर्गेनाइज किया गया था सऊदी अरेबिया में. ओके, सऊदी अरेबिया जो है एक ऐसी कंट्री बनी है, मतलब सऊदी अरेबिया बहुत सारी जगह पे अपना नाम अभी रखी हुई है. अगर देखा जाए बहुत सारी जगह पे आप लोग देखोगे तो सऊदी का नाम आ रहा है और बहुत बड़ी बात है. जैसे कि 2020 में जो G20 की मीटिंग भी है वो भी सऊदी अरेबिया में है. फिर ये FATF का सदस्य बना है तो ये बहुत सारी चीज़ें इसने अभी अचीव करी हैं. ओके, फिर देखिए, भाभा के डायरेक्टर कौन है? विकास कृष्णा, अजीत कुमार मोहंती, रतन कुमार सिन्हा या KN व्यास? क्या आंसर है? भाभा के डायरेक्टर कौन है? विकास कृष्णा, अजीत कुमार मोहंती, रतन कुमार सिन्हा या KN व्यास? आंसर बताइए. व्हाट इज द आंसर? देखो भाभा, जैसे हमें पता है कि एटॉमिक रिसर्च सेंटर फाउंडर इसके होमी जे भाभा थे. ठीक है, और अगर हम लोग इसकी और बात करें, ये मुंबई में स्थित है जिसके कि डायरेक्टर फिलहाल हैं मोहंती साहब, अजीत कुमार मोहंती. अगला क्वेश्चन देखिएगा. होम्योपैथी के फाउंडर कौन थे, संस्थापक कौन थे? डोमैक, सैमुअल हैनहेमन, वोल्समैन या वाल्मीकि? कौन थे बताइएगा. होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे, फाउंडर कौन थे? क्या आंसर होगा? सेशन को टाइप करते चलो अपना आंसर. सभी लोग जो भी लोग देख रहे हो, ओके, टाइप योर आंसर्स. एवरीवन डू टाइप एंड डू शेयर द सेशन वंस प्लीज.
देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सैमुअल हैनिमन. इजी क्वेश्चन था. फिर देखिए पहला इंडियन सैटेलाइट कौन सा था, आर्यभट्ट, भास्कर वन, इनसैट वन ए या रोहिणी. पहले की बात आपसे कर रहा है, पहला इंडियन सैटेलाइट कौन सा था, क्या आंसर होगा. द आंसर इज आर्यभट्ट. अच्छा अभी भी दो देशों ने जो है पहली बार सैटेलाइट के या कह सकते हो स्पेस में अपना कदम रखा है आगे बढ़कर. और जो देशों ने, दो देशों ने अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च करी है उसमें से एक है नेपाल. नेपाल की सैटेलाइट का नाम है नेपाली सैट वन. नेपाली सैट वन. इसके अलावा है श्रीलंका. श्रीलंका की सैटेलाइट का नाम है रावण वन. ओके फिर देखिए अगला. विच नेशनल हाईवे इज नोन एज शेरशाह सूरी मार्ग. ओके कौन से नेशनल हाईवे को हम लोग कहते हैं शेरशाह सूरी मार्ग, NH8, NH7, NH1 या NH3. क्या आंसर है. ऐसा लग रहा है जैसे अमोनिया का कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है. बताइएगा व्हाट इज द आंसर. देखो भाई इसका आपका आंसर होगा NH1. ओके बहुत सारे नाम से पहले भी जाना जा चुका है. फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्टेड वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप. वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप कौन सी कंट्री ने इसकी मेजबानी करी थी, इटली, इजिप्ट, नीदरलैंड या डेनमार्क. किसने करी थी बताइएगा. मेजबानी किसके द्वारा किया गया था वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप का. इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होगा नीदरलैंड्स द्वारा करी गई थी. ओके फिर देखिएगा श्री कृष्ण कमिटी जो है वो किस चीज से एसोसिएटेड है. कॉलेज में जो रैगिंग होती है या फिर जस्टिस जो महाभियोग होता है इसका इम्पीचमेंट होता है, हायर एजुकेशन का रिन्यूअल किया जाता है या स्टेट ऑफ तेलंगाना की जो फॉर्मेशन की गई थी, किससे रिलेटेड है श्री कृष्ण कमिटी. बताइएगा क्या होगा आंसर. What is the answer? अभी ये भी जो क्वेश्चन है ये भी बहुत बार आ चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है. तो इसका भी जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, फॉर्मेशन फॉर द स्टेट ऑफ तेलंगाना. तो जब ये तेलंगाना वाली बात चल रही थी उसमें जो है कमिटी बनाई गई थी BN श्री कृष्ण जी के अंडर, जिसमें कि जो एक डिमांड थी कि अलग स्टेट होना चाहिए उसके बारे में वो देख रहे थे. ठीक है द आंसर विल बी फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ तेलंगाना. BN श्री कृष्ण जी थे उस कमिटी के मेंबर. अब आपको बताना है कि इनमें से सबसे पुराना जो है कौन सा मॉन्यूमेंट है, स्मारक कौन सा है, अजंता केव, ताजमहल, खजुराहो या कुतुब मीनार. मीनार के आंसर होगा. बताइएगा कौन सा सबसे पुराना स्मारक है. अजंता केव्स महाराष्ट्र में जैसा हमें पता है. ठीक है ताजमहल आगरा में, खजुराहो मध्य प्रदेश और कुतुब मीनार दिल्ली. ठीक है सबसे पुरानी इमारत की हमसे बात कर रहा था दैट इज अजंता केव्स. ठीक है फिर देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेल प्लान्ड सिटी ऑफ इंडिया. अच्छा आप लोग जरा सभी लोग एक चीज देखिएगा कि खजुराहो कब बना था और क्या ये आंसर सही है. आप सभी लोगों को देखना है खजुराहो कब बना था और क्या ये आंसर सही है या नहीं. देखिए Which of the following is a well-planned city of India? इनमें से well-planned city of India कौन सी है, चंडीगढ़, कोयम्बटूर, सलेम या नई दिल्ली. अच्छा जब भी इसकी बात आती है तो अपने आप में ही दिमाग चला जाता है बिकॉज इनमें से अगर आप सारे शहर को देखोगे एक बार तो एक बार में ही आपको समझ आ जाएगा द आंसर विल बी चंडीगढ़. चंडीगढ़ की जो भी प्लानिंग की गई है, जो कुछ भी किया गया है दैट इज वेरी वेरी वेल प्लान्ड, बहुत ही बेहतरीन शहर उसको बनाया गया पूरी प्लानिंग के साथ में. और इसके जो आर्किटेक्ट थे उनका नाम था ली कॉर्बुज़िए. ओके तो ये थे आर्किटेक्ट चंडीगढ़ के जिन्होंने, जिनको कहा जाता है कि इन्होंने प्लान किया हुआ है. बाई इसके अलावा भी जो भी यहाँ पे बनाया पूरी प्लानिंग के साथ बनाया बहुत ही बेहतर तरीके से. फिर अगला क्वेश्चन देखिए
Which was the gas released in Bhopal gas tragedy? Bhopal gas tragedy आपको पता है बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, बहुत कुछ हुआ था, ठीक है। 84 के दशक में ये जो है हुआ था 2 दिसंबर 3 दिसंबर को, बहुत लोगों को उससे नुकसान हुआ था। कौन से गैस की लीकेज की वजह से हुआ था? इथिलीन, फिनाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड या एसिटिलीन, क्या आंसर होगा बताइएगा? किसकी वजह से हुआ था? द आंसर इज मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसकी वजह से हुआ था। ओके फिर देखिए अगला, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? प्रफुल्ल पटेल, हरदेव जडेजा, सुब्रत दत्ता या श्रीनिवास वी डेम्पो, क्या होगा आंसर? देखो भाई इसका आंसर होगा प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल जी हैं जो कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? जिम योंग किम, क्रिस्टीना लिगार्ड, प्रेमा करियप्पा या डेविड मालपास, क्या आंसर है? अब देखो अगर हम लोग इसमें एक एक लोगों को देखें, जिम योंग किम जी जो है ये पहले रह चुके, ये 12th प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड बैंक के। क्रिस्टीना लेगार्ड ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड बैंक के, ठीक है। क्रिस्टीना लेगार्ड इनकी हम लोग अगर बात करें, ये IMF की अभी फिलहाल में चेयरमैन है। प्रेमा करियप्पा जी एक इंडियन है जो कि पॉलिटिक्स वगैरह को रिलेट करती हैं। बच्चे कौन हमारे? बच्चे हमारे डेविड मालपास, डेविड मालपास जी जो हैं वो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। ओके फिर अगला देखिए, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ललित कला अकादमी? ललित कला अकादमी के प्रेसिडेंट कौन है? वसुदेव आचार्य, पंडित भूषण, उत्तम बचार्य या के चक्रवर्ती, क्या आंसर है? देखिए ललित कला अकादमी जो रात के 12 बजे में एक क्लास होती है, उसमें आपको बताया गया था कि इसको बनाया गया था 1954 में, ठीक है। और इस समय में जो इसके जो है अभी जो प्रेसिडेंट हैं ये कौन है? ये हैं हमारे उत्तम पचार्य जी, ठीक है। फिर देखिए, साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैज कंप्लीटेड रिसर्च इन जीनोम ऑफ कैमल्स? ओके, ऊँटों के जीनोम में किस देश के वैज्ञानिकों ने शोध पूरा किया है? साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना या पाकिस्तान, क्या आंसर है बताइएगा? किसने किया है ऐसा? साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, व्हाट इज द आंसर? देखो भाई इसका आंसर होगा चाइना। ओके फिर अगला देखिए, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट स्टेट टू पास द फूड सिक्योरिटी एक्ट? फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है ये आपका 2013 का है, जिसके तहत कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको सब्सिडाइज रेट पे, कुछ मिलियन लोगों को सब्सिडाइज रेट पे फूड प्रोवाइड किया जा रहा था, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा स्टेट था जो कि पहली बार इसको पास किया था, इस एक्ट को पास किया था, क्या आंसर होगा बताइएगा? छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब या केरल, व्हाट इज द आंसर? देखिए पहली बार पास करने वाला स्टेट था छत्तीसगढ़। ओके छत्तीसगढ़ के जो CM और गवर्नर हैं, गवर्नर जी बहुत ही इनका डिफरेंट नेम है, अनुसुईया उइके, CM बघेल साहब, ठीक है। द फर्स्ट इंडो एफ्रो फोरम समिट वॉज हेल्ड इन? द फर्स्ट इंडो एफ्रो समिट वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ताना, बेंगलुरु या अडीस अबाबा, कहाँ पर हुआ था? इंडो एफ्रो फोरम जो है ये कहाँ पर हुआ था पहली बार? नई दिल्ली, ताना, अडीस अबाबा या बेंगलुरु, कहाँ पर हुआ था? देखिए द आंसर इज न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में हुआ था और ये जो है 2008 में हुआ था पहली बारी, ठीक है। फिर अगला देखिए, विच इज द फर्स्ट इंडियन माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट? ठीक है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पहली कौन सी है? GSAT-12, मेगा ट्रॉपिक्स, रिसेट या रोहिणी, क्या आंसर है? देखो
इस कान से क्या होगा? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट समझ रहा हो ना, यानी कि सेंस कर ले रहा है रिमोट को. ये कौन सी सैटेलाइट थी हमारे देश की? जीसैट 12 मेगा टेक ट्रॉपिक्स रिसैट 1 या रोहिणी? क्या आंसर है? सी द आंसर इज रिसैट 1. रिसैट का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसैट का मतलब होता है रेडार इमेजिनिंग सैटेलाइट. रेडार इमेजिनिंग सैटेलाइट. फिर देखो भाई, भारत का सबसे पुराना तारामंडल कहां पर है? नैनीताल, कोलकाता, पुणे या दिल्ली? सबसे पुराना तारामंडल भारत का कहां पर है? नैनीताल, कोलकाता, पुणे या दिल्ली? क्या होगा आंसर? देखो, जो सबसे पुराना है दैट इज इन पुणे. ओके, ये जो है ये क्वेश्चन देखा जाए तो इसका आंसर सही नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में है ही नहीं. आंध्र प्रदेश के गवर्नर फिलहाल में कौन है? ऑप्शन में है ही नहीं. तो ऐसा करते हैं कि हम लोग इनको हटा के और नन ऑफ दी अबव कर देते हैं. ठीक है, ESL नरसिम्हन फिलहाल में तो अब नहीं ही है. ठीक है, NDT तिवारी ये पहले रह चुके, यूपी के CM थे. रामेश्वर ठाकुर को हटा दिया हमने. वैसे रामेश्वर ठाकुर जो है वो MP के गवर्नर रह चुके हैं और सुशील शिंदे जी महाराष्ट्र के CM थे. अभी फिलहाल में अगर आंध्र प्रदेश के गवर्नर की बात की जाए तो बिश्वभूषण हरिचंदन है, ये नहीं है. बिश्वभूषण हरिचंदन. ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है, वरुणा एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किसके किसके बीच में है? इसका आंसर क्या होगा? ये कई बार आपको बताया जा चुका है, इसका आंसर है फ्रांस. ओके, फिर देखिए, जस्टिस DN पटेल चीफ जस्टिस कौन से हाई कोर्ट के, कहाँ कौन से हाई कोर्ट में जो है जस्टिस DN पटेल ने अभी अभी जो है शपथ ली है चीफ जस्टिस के तौर पे? बॉम्बे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट या कलकत्ता हाई कोर्ट? क्या आंसर होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दिल्ली हाई कोर्ट. ओके, चलो, तो ये था हमारा आज का सेशन. अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा. इसके अलावा अगर आप लोग नेशनल GK पढ़ना चाहते हो तो नेशनल करंट अफेयर्स की रिवीजन अगर आपको करनी है तो शाम में 5 बजे वाईफाई स्टडी देख लिया करो. यहाँ पे करंट अफेयर्स की रिवीजन होती है और नेशनल GK 12 बजे होती है. इसको देख लिया करो, वाईफाई स्टडी पर चलती है. इससे आप लोगों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको खुद समझ आएंगे. ठीक है,